हेलो स्टूडेंट इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिराइव दॉर्मुला ऑफ ग्रेविटेशन एक्सलेशन एंड देर इज स्मॉल जी मीन्स ग्रेविटेशन एक्सेजेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ जिसकी वजह से ग्रेविटी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स है, है वो मास डिवाइड बाई आर स्क्वायर वेर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द गिवन पार्टिकल इफ पार्टिकल इज प्लेस एट डिस्टेंस आर ई मीन्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ दैन द फॉर्मुला ऑफ ग्रेविटेशन एक्सिलेशन इज जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर स्मोल आर को रिप्लेस करना है आर ई से ओल्ड टर्म्स आर कॉन्स्टेंट इफ यू पू वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ दैन वी गेट जी ई इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेशन एट हाइट एच तो लिखते हैं आज का टाइटल वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विथ एल्टीट्यूड मीन्स हाइट अर्थ सरफेस पे एक्सिलेशन का फॉर्मूला क्या है जो हमें पता है जो अभी हमने आगे देखा तो पहले तो वो नोट कर लेते हैं the acceleration due to gravity at the earth surface is given by ge is equal to gme अपन आर ई स्क्वेर जैसे हमने आगे भी बात की थी सेकेंड वीडियो में इस चैप्टर के सेम वैसे ही अर्थ है अर्थ के सेंटर से लेके उसकी सरफेस तक का डिस्टेंस जो क्या होता है अर्थ की रेडियस और सरफेस से कुछ हाइट एच मींस एच हाइट जहाँ पे पॉइंट पी है वहाँ पे एक पार्टिकल रखा है जिसका मास है वो है स्मॉल एम Earth और उस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर देखा था किसी भी स्फेरिकल बॉडी है ये बॉडी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगा रही है वो हमें कैलकुलेट करना है तो इस बॉडी का टोटल मास कहा पे कहाना है हमें है उसके सेंटर पे इसके लिए तो डिस्टेंस कहां से लिखे है अर्थ के सेंटर से लेके इस पार्टिकल तक का जो यहां पे ड्रॉ किया हुआ है तो लिख देते हैं अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो सीक्वेंस कुछ आगे पीछे है इसके लिए मैं यहां पे थियोरी वो नोट कर रहा हूं पॉइंट मास पॉइंट पी एट हाइट एच

ओके okay. तो अब जो अर्थ है वो इस स्मोलेम मास पे कितना फोर्स लगाएगी तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है तो यही फॉर्मूला में वापस लिख रहा हूँ तो लिखते हैं द तो ग्रेविटेशनल Force of the earth on a body of mass M at this point is F kahan pe? H hide pe. means F of H is equal to. फॉर्मूला क्या है जी एम वन एम और एम वन यहाँ पे है एम ई और एम वन एम टू और एम टू है वो है स्मॉल एम डिस्टेंस बिटवीन एम वन एम एम टू और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड पॉइंट मास इज स्मॉल आर बट वट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल आर यू नो दैट स्मॉल आर इज आर ई प्लस एच ये हो जाएगा उसका स्क्वायर देन ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन एट हाइट एच एफ इज इक्वल टू तो क्या होता है एम ए और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू तो फोर्स बाई मास फोर्स बाई मास तो यहां पर भी वही कर रहा हूं मैं फोर्स बाई मास किसका मास एक्सीलरेशन किसका फाइंड करना है हमें स्मॉल एच उसका इसके लिए मस भी वही लिखना है हमें यहाँ पे चलो तो ये मिल गया हमें एच हाइट पे एस इसको और ज़्यादा सिम्प्लीफाई करते हैं वही फॉर्मूला है यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ पेस्टर्न हो गया इसके लिए जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर ये मेरा इक्वेशन नंबर टू एट हाइट एच हाइट पे और ये मेरा इक्वेशन नंबर वन सरफेस पे इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए डिवाइड कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन वन दोनों को करते डिवाइड जी ऑफ़ एच अपॉन जी ई इज इक्वल टू जी ऑफ़ एच की वैल्यू क्या है जी एम ई अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर और जी ई e की वैल्यू क्या है जी एम ई अपन आर ई स्क्वा जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर देखो जी एम ई जी एम ई दोनों कट हो जाएंगे न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे आता है डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे लिखा जाता है न्यूमिनेटर में लिखा जाता है थोड़ा मैथ्स यूज कर रहा हूँ ध्यान करना यहाँ पे टर एज इट इज और जो डिनोमिनेटर है उसमें से आरई को कॉमन निकाल रहा हूँ लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आर ई स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहेगा वन प्लस ह एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर ये दोनों हो गए कट देन ऑफ एच इज इक्वल टू इसको यहाँ पे लेके आता है जी ई अपॉन वन प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर कुछ ऐसा मिला आपको तो जब भी जियो फैच का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है डायरेक्ट आपको G of h मिल जाएगा जी इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 9.8 पॉइंट एट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि आप थ्री थाउजेंड किलोमीटर हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है कहाँ पे है थ्री थाउजेंड किलोमीटर हाइट पे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा तो आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे थ्री थाउजेंड आरई e कितनी है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड और जीई e कितना है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आपको जियो पे मिल जाएगा और यहाँ पे देखने से दूसरी बात ये पता चलती है डिनोमिनेटर है वो एक से बड़ा है क्योंकि वन प्लस कुछ वैल्यू है वन प्लस कुछ वैल्यू है ऐसा कुछ क्योंकि डिनोमिनेटर है एक से बड़ा है उसका भी क्या करना है स्क्वायर तो वैल्यू है और बड़ी हो जाएगी जब भी किसी वैल्यू को डिवाइड करते हो एक से बड़ी वैल्यू से तो टोटल तो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा छोटा मिलेगा अब ट्राई कर लेना टू को डिवाइड करो वन पॉइंट टू से वन पॉइंट थ्री से आपका आंसर है वो टू है उससे छोटा ही मिलेगा न्यूमिनेटर से आंसर क्या मिलता है छोटा ही मिलता है अब ट्राई करना तो यहाँ पे क्या मिला जी ई जो वैल्यू है वो जियो एच से क्या है बड़ा मीन्स जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे ग्रेविटेशन एसिलेशन की वैल्यू है वो क्या होती है डिक्रीज होती है कम होती जाती है वो वैल्यू क्या होती जाती है कम होती जाती है और उसका डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है उसका डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या होगा जी इज प्रपोजनल टू वन अपॉन आर स्क्वेयर होगा डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है जी इज प्रपोजनल टू वन अपॉन आर स्क्वेयर है कहां से कहां तक सरफेस से लेके हाइट जैसे बढ़ती है वहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आगे मैं इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं देखो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में लिखूंगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस टू ओके आपने आपको इसको सोल्व करना है बाइनोमियल थ्योरम से बाइनोमियल थियरम है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स नहीं पढ़े मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है वो पढ़ चुके हैं आपको सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन याद रख लो आप और कहीं जगह पे बाइनोमियल थियरम पूरे इलेवन ट्वेल्थ में यूज नहीं होने वाला है इसके लिए शॉर्ट में सिर्फ आपको क्या याद रखना है इसका सोल्यूशन वन माइनस टू एच बाई आर ई कब जब एच की वैल्यू है आर से बहुत ज्यादा छोटी है कब जब एच की वैल्यू है आरी से बहुत ज्यादा छोटी है फॉर एग्जाम्पल इफ एच इज इक्वल टू टेन किलोमीटर आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सीन एट हाइट टेन किलोमीटर देन किलोमीटर इज मच लेस देन सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड क्योंकि आर की वैल्यू क्या है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड तो उससे तो टेन है बहुत छोटा है एट दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ऑल्सो ये भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये जल्दी से जोल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई स्क्वेयर वाला टर्म ही नहीं आता इसमें कोई स्क्वेयर वाला टम नहीं आता इसमें आता है तो जब बहुत छोटी वैल्यू दी है तब आपको ये यूज़ करना है लेकिन बहुत छोटी वैल्यू नहीं दी है तब आपको ये यूज़ करना है ओके तो ये था जी ओ एच का फॉर्मूला